Hello friends, today's topic is agronomy. Agronomy part first में हम approximately 40 question discuss करेंगे. So first question is, the crop has highest cultivated area in the world, wheat. विश्व में सबसे ज़्यादा cultivated area wheat का है. Rice is originated from India and Burma. Rice का उद्भव India एवं Burma से हुआ. The highest productivity of rice in India, Punjab. सबसे ज़्यादा rice की जो productivity है वो Punjab राज्य की है भारत में. How many species in genus Oryza? 24 species. Rice की Oryza genus में 24 species हैं. The rice varieties grow in India belong to Indica. जो भारत में राइस की वैरायटीज ग्रो की जाती हैं वो ओराइजा सेटाइवा सेटाइवा स्पीसीज की सब स्पीसीज इंडिका से बिलोंग करती हैं. राइस ग्रो इन इंडोनेशिया बिलोंग टू ओराइजा सेटाइवा जैवानिका. इंडोनेशिया में ग्रो की जाने वाली राइस की वैरायटी सेटाइवा की सब स्पीसीज जैवानिका से बिलोंग करती हैं. द राइस इन्फ्लोरेंसेंस इज नोन एज पेनिकल. यानी राइस का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम पेनिकल के नाम से जानते हैं. द डीहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज ब्राउन राइस. राइस क्रॉप नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. राइस को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की. फॉर रिपेनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. फोटोपीरियडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट. राइस को फोटोपीरियड के आधार पर देखें तो शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि इसको डार्कनेस ज़्यादा और लाइट कम आवश्यकता होती है. द सोइंग टाइम ऑफ ऑटोमन राइस इज मई टू जून. शरद ऋतु के धान की बुवाई मई जून में की जाती है. द सोइंग टाइम ऑफ स्प्रिंग राइस इज नवंबर टू दिसंबर. बसंत ऋतु के धान की बुवाई नवंबर दिसंबर में की जाती है. आयर 10 वेराइटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम फिलीपींस मनीला. आयर 10 जो वेराइटी राइस की है वो इंडिया में फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुई थी. द म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस जगन्नाथ. जो धान की म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी है वो जगन्नाथ है. द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इज ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी 100 केजी एंड 60 केजी पर हेक्टेयर. यदि आप ब्रॉडकास्टिंग से बोएंगे धान को तो उसमें 100 केजी लगेगा सीड और यदि ड्रिलिंग से बोएंगे तो 60 केजी पर हेक्टेयर लगेगा. For transplanting 1 hectare area of rice, how much area insufficient for nursery raising? 1000 square meters. यदि आप 1 hectare धान की रोपाई करना चाहते हैं तो आप 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी ग्रो करेंगे. डेपोक मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम फिलीपींस. डेपोक मेथड जो है नर्सरी उगाने का वो फिलीपींस से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 11 to 14 डेज. राइस में डेपोक विधि द्वारा 11 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है नर्सरी. प्रोपिनल हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. यदि आप राइस में हर्बिसाइड प्रोपिनल डालना चाहते हैं तो वो 6 से 8 दिन बाद रोपाई के 6 से 8 दिन बाद डाल सकते हैं. टोंगरो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई ग्रीन लीफ हॉपर. टोंगरो वायरस का ट्रांसमिट किससे होता है? ग्रीन लीफ हॉपर से. Dead heart and white head damage to rice is caused by stem borer. Rice में
डेड हेड एंड वाइट हेड डैमेज स्टेम बोरर की कारण होता है। सिल्वर सूट और ऑनियन लूप सिम्टम्स ऑफ राइस टिलर्स इज कॉज्ड बाय गॉल मिज। ग्रेसी स्टेंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय ब्राउन प्लांट हॉपर। राइस में ग्रेसी स्टेंट वायरस डिजीज ब्राउन प्लांट हॉपर से ट्रांसमिट होता है। गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग मिल्किंग स्टेज। राइस में गंदी बग इंसेक्ट मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज 21 ग्राम। यदि आप बासमती राइस के 1000 दानों को बाहर देखें तो वो 21 ग्राम होता है। हाउ मैनी क्रोमोसोम इन ओराइजा सेटाइवा डिप्लॉयड स्पीसीज ऑफ राइस। यदि राइस की ओराइजा सेटाइवा डिप्लॉयड स्पीसीज देखें तो उसमें 24 क्रोमोसोम होते हैं। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग करेक्टर्स इन राइस इज DGOW जीन। ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है राइस में, तो वो है DGOW जीन। गोल्डन राइस इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गोल्डन राइस किसका सबसे अच्छा स्रोत है, वो है विटामिन ए का। आइडिया ऑफ सुपर राइस इज गिवन बाई गुरुदेव सिंह खुश। जो सुपर राइस का आइडिया था वो किसने दिया था, GS खुश ने दिया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1977। भारत सरकार ने 1 नवंबर 1977 से उर्वरकों पर सब्सिडी देना स्टार्ट किया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड वीट टिटकम एस्टिवम। इंडियन ड्वार्फ वैरायटी बिलोंग टू टिटकम स्फेरोकोकम। जो भारतीय बौनी प्रजाति हैं गेहूं की, वो टिटकम स्फेरोकोकम स्पेसीज से बिलोंग करती हैं। वीट इज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया टर्की। जो गेहूं का उद्भव केंद्र है वो सेंट्रल एशिया टर्की है। कॉमन ब्रेड वीट इज हेक्साप्लॉयड। क्योंकि वीट में जो बेसिक क्रोमोसोम होते हैं वो 7 होते हैं और 6 इसकी प्लॉडी लेवल है, तो इसलिए ये हेक्साप्लॉयड वीट है। ड्वार्फ वीट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई डॉक्टर NE बोरलॉन्ग। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉन्ग ने ही भारत में ड्वार्फ वीट इंट्रोड्यूस किया था। मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉप इन इंडिया इज, तो वीट। भारत में सबसे ज़्यादा किस क्रॉप का एरिया है, तो वो है वीट का। द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रैन यील्ड वाज नॉरिन 10। नॉरिन 10 सबसे पहली वैरायटी थी जिसके पास शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हाई यील्ड थी। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रैन फिलिंग ऑफ वीट इज 23 to 25 degrees centigrade। द इन्फ्लोरेंसेंस ऑफ वीट इज नोन एज ईयर। वीट के पुष्पक्रम को किस नाम से जानते हैं, ईयर के नाम से जानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम एग्रोनॉमी पार्ट 2 में अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।